नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे प्लगइन के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। और इस प्लगइन का नाम है जेक्वेरी वैलिडेशन प्लगइन और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो jquery validation.org। ओके, तो आज हम लोग ये जो प्लगइन है इसको अपने फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे और इसका डेमो एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो वो आप स्क्रीन पर देख लो एक बार। तो ये एक फॉर्म है, इसको मैंने जो मैंने अभी प्लगइन बताया है जेक्वेरी वैलिडेशन प्लगइन, उसकी हेल्प से इसको वैलिडेट किया इस फॉर्म को। तो यहाँ पर आप सारी एरर्स देख सकते हो, नेम अगर मैं भर दूंगा तो ये एरर चली जाएगी और अगर नेम 3 कैरेक्टर्स से कम होगा तो एरर आ जाएगा, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ओके, और ईमेल भी चेक करेगा ये, अगर ईमेल वैलिड नहीं होगा तो ये एरर देगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। और अगर मैं ईमेल भर देता हूँ पूरा तो ये एरर चला जाएगा। URL भी होना चाहिए, अगर URL यहाँ पर वैलिड नहीं होगा तो एरर आएगा, और अगर URL आप सही भर देंगे तो ये एरर चला जाएगा। पासवर्ड के लिए भी सेम है, पासवर्ड में अगर कंफर्म पासवर्ड सिमिलर नहीं है तो एरर आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच विद पासवर्ड। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को 2 फाइलें ज़रूरत पड़ेंगी। पहली फाइल तो हमारी जेक्वेरी वाली फाइल होगी। ओके, और दूसरी फाइल जो हम लोग ये प्लगइन यूज़ कर रहे हैं इसका एक GS फाइल होगा, वो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पर आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला लिंक मिलेगा। ओके, यहाँ पर जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है जेक्वेरी वैलिडेशन या ये सोर्स कोड, इसमें किसी पर भी आप एक बार क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक zip फाइल मिलेगा। देखिए, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। फिर अपने htdocs फोल्डर में जाना है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे हम लोग और इसका मैं नाम दे दूँगा जेक्वेरी वैलिडेशन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये फाइल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं, यहाँ पर इसका मैं नाम दे देता हूँ JS, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, वो जो फाइल वहाँ पर हम लोगों ने कॉपी किया है उसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो यहाँ से आप डिलीट कर दिए JS वाला फोल्डर छोड़ के। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, jQuery वाला फाइल चाहिए होगा तो यहाँ पर jQuery सर्च कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप लोग CDN यूज़ कर सकते हो, तो CDN का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए CDN ये यूज़ कर सकते हो, पर हम लोग जो डायरेक्ट JS वाला फाइल है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा, ठीक है। कंट्रोल एस करना है और इसका शायद मैंने फाइल पहले ही डाउनलोड कर लिया, नहीं कर रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं कंट्रोल एस, और ये मैंने सेव कर लिया। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको कट कर लेना आप लोग भी, और कट कर लेने के बाद में JS वाले फोल्डर में जा करके इसको पेस्ट कर देना। तो इतना काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक CSS वाला फ़ोल्डर बनाना है, यहाँ पर CSS फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं, cmd code. तो ये हमारा प्रोजेक्ट कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा, और ये पहले से एक खुला हुआ है उसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये बंद हो गया। ओके, यस आई ट्रस्ट, गेट स्टार्टेड को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे, इसका मैं नाम दे देता हूँ index.html, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म टैग लेंगे, फॉर्म टैग नहीं, यहाँ पर होगा HTML फाइल वाला ले लेना आप लोग, मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे jQuery फॉर्म वैलिडेशन ट्यूटोरियल। ओके, इसके बाद यहाँ पर पहले हम लोग अपना CSS वाला फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। CSS फाइल मैंने बनाया, अभी नहीं बनाया, तो CSS फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा style.css। ओके, और यहाँ पर इसको पहले इंक्लूड करा लेते हैं, लिंक
css style डॉट सी एस एस, नीचे जाएंगे यहाँ पर js वाला फाइल इंक्लूड कराएंगे, स्क्रिप्ट src js, ऊपर होगा jQuery वाला फाइल, ओके, नीचे होगा हमारा जो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसका फाइल, क्या नाम है इसका, js फोल्डर के अंदर इसका नाम है jQuery validate, ठीक है, सजेशन में नहीं दिया इसने, दिया ये, ठीक है। तो ये दोनों फाइलें इंक्लूड हो गए। अब हम लोगों को एक यहाँ पर फॉर्म बना लेना है, तो यहाँ पर div क्लास कार्ड, फिर एक div ले लेंगे यहाँ पर क्लास, पहले यहाँ पर एक h1 टैग ले लेते हैं, h1 नहीं यहाँ पर मैं h3 ले लेता हूँ, h3 ठीक रहेगा, हाँ, jQuery फॉर्म वैलिडेशन jQuery फॉर्म वैलिडेशन ट्यूटोरियल, ओके। फिर यहाँ पर हो जाएगा फॉर्म ग्रुप, ओके, और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हो जाएगा नेम, ठीक है, आईडी भी नेम हो जाएगा, प्लेस होल्डर में हो जाएगा एंटर नेम, ठीक है, कॉपी कर लेंगे और ये नेम स्मॉल में होगा यहाँ पर इस तरह से, नेम यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, एंटर ईमेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूआरएल, ठीक है, एंटर यूआरएल, फिर नीचे यहाँ पर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ऊपर इसी तरह से नीचे, इसके नीचे हो जाएगा कन्फर्म पासवर्ड फील्ड का नाम, कन्फर्म पासवर्ड, एंटर कन्फर्म पासवर्ड, वर्ड रैप कर दिया मैंने, ठीक है, अभी नीचे आ गया। इसके बाद यहाँ पर होगा एक बटन, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा सबमिट, ओके। फिर इसको एक फॉर्म में हम लोगों को क्लोज कर देना है, तो यहाँ पर फॉर्म इसको यहाँ से कट कर लो और सबसे नीचे इनपुट टाइप बटन के बाद में यहाँ पर दे देना है, ठीक है। एक्शन ब्लैंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नेम्स का रखेंगे यूज़र फॉर्म, आईडी हो जाएगा यूज़र फॉर्म, और इसके बाद मेथड जो होगा पोस्ट, ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सही काम कर लेते हैं, कार्ड जो यहाँ पर सी से चल रही है इसको यूज़ कर लेंगे, कार्ड पे कार्ड वाली चीज कॉपी कर लेते हैं, ओके। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आपके ये पूरा ऐसे ये कार्ड हो गया। और इसके बाद क्या है, बॉडी में कुछ चीज़ काम कर रही होगी, बॉडी में, तो यहाँ बॉडी में लिखना है फॉन्ट फैमिली, अप्लाई कर देना है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली एरियल, और ऊपर लिख देना है स्ट्रिक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ना काम कर देना है। और इनपुट पे कोई क्लास चल रही तो उसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ये एक क्लास चल रही इनपुट के लिए, तो ये भी कॉपी कर ली है, ठीक है। और बटन के लिए क्लास चल रही होगी, इसको भी कॉपी कर लेना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको विथ जो है वो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, विथ 100% कर देंगे, तो बटन थोड़ा बड़ा आएगा, तो इतना काम हो गया। और ये इनपुट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे क्लास, इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है, क्लास इनपुट, एक साथ अप्लाई हो गई। अब इस प्रोजेक्ट को अपने ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट
जे क्वेरी वैलिडेशन। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर, सॉरी ये जो फाइल है कुछ ऐसा ओपन हो गया फॉर्म हमारा। इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा? सेंटर में करेंगे कैसे, मार्जिन ज़ीरो ऑटो। फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। ओके, तो हमारा फॉर्म तो रेडी हो गया। अब हम इस फॉर्म पे वैलिडेशन रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर जाना है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग देना है यहाँ पर, या फिर एक काम कर लेते हैं एक अलग जीएस फाइल बना लेते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लेंगे। जीएस फाइल न्यू स्क्रिप्ट या कस्टम डॉट जेएस, ओके, और कस्टम डॉट जेएस को यहाँ पर इंक्लूड भी कर लेंगे। कस्टम डॉट जेएस इसको इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने फॉर्म का जो आईडी है वो देंगे, यूज़र फॉर्म और वैलिडेट, ठीक है। पहला काम रूल्स अप्लाई करेंगे, कौन से रूल्स, जैसे कि हमारा नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो ये सारे रूल्स हम लोग रूल्स के अंदर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, नेम होगा रिक्वायर्ड, ओके, फिर ईमेल, ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा, ओके। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ना, फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सॉरी दानी, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, एक एरर का यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो एरर हमारी कुछ रेड कलर में आने लगेंगी, कलर रेड, ओके। और यहाँ पर मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन नहीं अप्लाई, आई डोंट नो, छोड़ो इसको, कलर ही ठीक है अभी। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारा जो एरर्स हैं वो तो डिस्प्ले होने लगी, और पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लो यहाँ पर हमें मल्टीपल रूल्स अप्लाई करने हैं, रिक्वायर्ड तो है ही है, साथ में जो नेम है वो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको कुछ दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू, तो ये भी वही काम करेगा, पर यहाँ पर अब हम लोग मल्टीपल नेम पर मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मिन लेंथ, मिनिमम लेंथ जैसे मैंने दे दिया 3 कैरेक्टर्स का, तो अब मिनिमम लेंथ 3 कैरेक्टर्स का वहाँ पर वो देखेगा। यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, सेम काम यहाँ पर ईमेल के लिए भी कर लेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ओके। और ईमेल मतलब वैलिड ईमेल होना चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल टू लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा URL, तो URL भी रिक्वायर्ड ट्रू, और इसमें URL ट्रू। फिर कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड के लिए, और ये कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, अरे सॉरी, कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड मिनिमम लेंथ जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और कंफर्म पासवर्ड में हमें मिनिमम लेंथ की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर एक और रूल अप्लाई होंगे करेंगे हम लोग, इक्वल टू, मतलब पास कंफर्म पासवर्ड जो है वो पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल टू में लिखना है जिस फील्ड के हमें इसको, जिस फील्ड के साथ हमें इसको मैच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, नहीं नहीं सॉरी, पासवर्ड इक्वल टू, मैंने पहले लिख दिया, इक्वल टू मतलब जो कंफर्म पासवर्ड है वो इक्वल होना चाहिए किसके, पासवर्ड फील्ड के, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं ये रूल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो एरर्स आ रही हैं, मैंने यहाँ पर मोहित लिखा, मोहित में मैं एमओ लिखा, तो प्लीज़ एंटर एटलीस्ट, ठीक है। ईमेल में वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC, तो अभी एरर आ रहा है।
प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और मैं ईमेल सही कर देता हूँ यहाँ पर, तो एरर चला गया। यहाँ पर कुछ वैलिड ना डालता हूँ, इनवैलिड डालता हूँ यहाँ पर यूआरएल की फील्ड में, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर यूआरएल हम लोग सही डाल देते हैं, google.com, अभी भी एंटर अ वैलिड यूआरएल, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा, HTTP यहाँ पर गलत लिख दिया था मैंने, पासवर्ड में जैसे मैंने दे दिया एडमिन, और यहाँ पर पासवर्ड फील्ड को मैंने इनपुट रखा है, इसको सही कर लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है तो वो सही करना पड़ेगा, तो पासवर्ड फील्ड को सही कर लेना। यहाँ पर ये पासवर्ड फील्ड जो होगा हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ठीक है। तो अभी पासवर्ड चेक करना है, तो देख लेते हैं एडमिन मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर मैं दिख देता हूँ कुछ और लिख देता हूँ, तो देखिए प्लीज़ एंटर द सेम वैल्यू अगेन, तो ये कह रहा है कि जो पासवर्ड में लिखा है वही वैल्यू यहाँ पर भरो। तो इसका अगर आप थोड़ा मैसेज जो है वो थोड़ा सही नहीं आ रहा है, मतलब डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा है, अगर हमें इसमें इन मैसेजेस को क्या करना है, ओवरराइड करना है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी इस वैलिडेशन लाइब्रेरी में है। तो कैसे करेंगे वो आप करके देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये पूरा कॉपी कर लेना है मैसेजेस को ओवरराइड करने के लिए, आपके अपने कस्टम मैसेजेस लगाने के लिए आपको इसके कस्टम मैसेज को, इसके मैसेज को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल्स ये हो गए, मैसेजेस नाम का एक यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और मैसेजेस के नीचे से नेम लिखा हुआ है, तो जहाँ रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पर आपको अपना मैसेज दे देना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है द, जो भी आपको मैसेज है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके, मिनिमम लेंथ में, यू मस्ट एंटर एट लीस्ट 3 करेक्टर्स, ओके। ईमेल में जैसे द ईमेल फील्ड required, you must enter a valid email address, okay। इसी तरह से आप रूल का भी कर सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ, और पासवर्ड को भी आप जैसे चाहो, जिस तरह से मैंने ऊपर किया है वैसे कर सकते हो, और कन्फर्म पासवर्ड को required को इसको सही कर लेते हैं, या URL को हटा देते हैं अभी, सिर्फ पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड को सही कर लेते हैं। अगर आपको URL को भी ओवरराइड करना है तो उसके को भी आप, जैसे मैंने ये सब कर रखा है, इन फील्ड्स को मैंने ओवरराइड किया, वैसे आप URL फील्ड को भी ओवरराइड कर सकते हो। तो यहाँ मैं पासवर्ड फील्ड को अभी ओवरराइड करूँगा, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो अब हमारा पासवर्ड फील्ड का जो मैसेज है वो भी रिक्वायर्ड कहना है, अब ओवरराइड हो गया। मिनिमम लेंथ इसी को कॉपी कर लेते हैं, मिनिमम लेंथ 5 करेक्टर्स का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 करेक्टर्स, यू मस्ट एंटर एटलीस्ट 5 करेक्टर्स। कन्फर्म पासवर्ड को भी इसी तरह से द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच विद पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड पासवर्ड से मैच करना चाहिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी एरर्स जैसे हमने दे रखी हैं तो वैसे आ रही हैं कि, देखिए नेम में जैसे हमने लिखा द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ये देखिए यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है, एरर हट गया। यहाँ पर द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यू मस्ट एंटर एट वैलिड ईमेल एड्रेस, ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ abc@gmail.com, ओके। पासवर्ड में मैंने जैसे दे दिया एडमिन, और यहाँ पर मैं अपन कुछ भी रैंडम देते, देखिए यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच विद पासवर्ड, तो जो मैसेज हम लोगों ने यहाँ पर दिया था वो मैसेज यहाँ पर आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन, तो ये मैसेज यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पर एक URL देना है, तो HTTP
ये चला गया। ओके, तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ओके, अब फॉर्म के सबमिशन को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखना होगा सबमिट हैंडलर, ओके, फंक्शन, और यहाँ पर देना होगा फॉर्म, और इसके बाद यहाँ पर एक हम जैसे अलर्ट दे देते हैं। अभी जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई फॉर्म सबमिट करने के बाद एजेक्स लगाना है तो आप यहाँ पर अपना एजेक्स लगा करके फॉर्म को सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट आप फॉर्म को सबमिट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर्म डॉट सबमिट, ठीक है, फॉर्म डॉट सबमिट। और एक मैं अलर्ट लगा देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए कि यहाँ पर आ भी रहा है कि नहीं, सबमिटेड। ओके, सबमिट हैंडलर, हैंडलर का एच कैपिटल होगा यहाँ पर। ओके, तो अभी कुछ चेक कर लेते हैं इसको। नेम मोहित, ईमेल में मोहित सिंह, और यूआरएल में http://google.com, पासवर्ड में एडमिन, कंफर्म पासवर्ड में एडमिन। अब मैं सबमिट पे क्लिक करा था, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सबमिटेड। ओके करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसका सबमिशन अगर कहीं पर आप ले जाना चाहते हो तो कैसा जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, इसका मैं नाम देता हूँ save.php, ठीक है। यहाँ पर PHP कोड दे देते हैं, PHP कोड में यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि फॉर्म का जो टाइप है पोस्ट टाइप का फॉर्म है, मेथड जो दिया मैंने वहाँ पर वो है पोस्ट। प्रिंटर इको प्री, ओके, और इसका सबमिशन दे देते हैं कहाँ पर, एक्शन सेव डॉट PHP पर, ठीक है। तो अब एक बार इसको फिर से भरते हैं। नेम में मोहित सिंह, ईमेल में mohitsingh2006 php@gmail.com, फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ http://google.com, http में टी ज़्यादा है तो हटा दिया मैंने। यहाँ पर होगा एडमिन, एडमिन कुछ गलत कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, एरर आ गया। अब मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में एडमिन दिया है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करा। सेव डॉट PHP फाइल ये कहाँ पर थी, ये गलत जगह बना दी है क्या मैंने, ओके, JS फोल्डर के अंदर है। इसको यहाँ से कट कर लेना है और इसको बनाना है रूट में, यहाँ पर ये गलत जगह हो गई फाइल, इसको सेव एज करा लेते हैं, सेव एज यहाँ पर कराना था, सेव, ठीक है। फिर से रीलोड करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्म का सबमिशन है वो आ चुका है। नेम फील्ड में देखिए मोहित सिंह है, ईमेल में हमारा ईमेल एड्रेस है, URL में हमारा URL आ गया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और सबमिट। ओके दोस्तों, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि jQuery वैलिडेशन लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं, और इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सोर्स कोड भी देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।